तो अभी तो ये स्थान बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। 10 साल पहले सिचुएशन ये रहती थी कि लोग पहाड़ों से उतर कर आते थे, और पहाड़ों से उतरने के बाद उन्हें जो रघु स्वामी हैं, जो स्वामी जी के साथ बहुत पहले से उनके साधना के वक्त से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम पूर्वाश्रम में प्रदीप ब्रह्मचारी जी था, और अगर आपने इफ ट्रूथ बी टोल पढ़ी होगी तो उसमें भी प्रदीप जी का यानी कि हमारे रघु स्वामी जी का उल्लेख, उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। और रघु स्वामी जो थे वो उस वक्त पे जो भी आश्रम आना चाहते थे आज से 10 साल पहले, उनको नदी किनारे लेने के लिए आते थे ताकि उनको कोई चोट ना लगे और वो लोग सलामती के साथ सुरक्षित आश्रम पे पहुंच पाए। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि इतनी विकट जगह पे, इतने दुर्गम स्थान पे आश्रम क्यों बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि यहाँ पे वैसे ही भक्त आए, वैसे ही श्रद्धालु आए जिनको वाकई में साधना करने में ज़्यादा रुचि हो, जिनको ये ना हो कि चलो पिकनिक कर ले या फिर पर्यटन के तौर पर किसी स्थान पर चले जाए। तो इसी वजह से ये जो स्थान है उसको थोड़ा ज़्यादा दुर्गम जगह पर बनाया गया, ताकि जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिनको भगवान के प्रति आस्था है, जिनके हृदय में समर्पण भाव है, श्रद्धा है, वही लोग यहाँ पे आके जो है वो भगवान के दर्शन कर पाए और अपनी जो साधना की यात्रा है उसे कंटिन्यू कर पाए। तो इसी स्थान पर एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है, और उस यज्ञशाला में बहुत सारी साधना जो है वो करी जाएगी, बहुत सारे यज्ञ वहाँ पे हवन किए जाएंगे। पिछले साल 2022 में अक्टूबर में श्री सुक्तम साधना स्वामी जी के द्वारा कराई गई थी, और हर रोज़ सुबह वहाँ पे बहुत ही सुंदर यज्ञ होता था, सुबह 5 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे के आसपास, और इतने सारे लोग उस वक्त यहाँ पे थे और सभी ने एक साथ एक कलेक्टिव साधना की थी, श्री सुक्तम साधना। जो लोग साधना ऐप पर उस साधना को परफॉर्म किया होगा उनको पता होगा कि रात को श्री सुक्तम साधना का जो है वो मंत्र जप करना होता है, और अर्ली मॉर्निंग सुबह 5-5:30 बजे के आसपास आप यज्ञ कर सकते हैं। वही स्केड्यूल था लास्ट ईयर भी, और उस वक्त पे यहाँ पे फिजिकली यज्ञ हुआ था, और आपने, आप में से जिन्होंने भी श्री सुक्तम साधना ऐप पर की होगी, सुबह जो आपको यज्ञ देखने को मिलता था, जो आप आहुति देते थे, वो उसी श्री सुक्तम साधना का एक वो क्लिपिंग्स रहते थे, हर एक दिन के 16 दिन के अलग अलग यज्ञ के सारे रिकॉर्डिंग्स। और उससे पहले नवदुर्गा साधना जो थी वो कराई गई थी, आई थिंक 2 बार नवदुर्गा साधना हुई, आगे भी आने वाले समय में बहुत अलग अलग साधनाएं जो है वो एक भव्य जो यज्ञशाला यहाँ पे बन रही है वहाँ पे करी जाएगी। तो बस मेरा तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा इस स्थान का लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत ही कम स्थान भारत में आज ऐसे हैं, बहुत ही कम आश्रम ऐसे हैं जहाँ पे आपको डिटेल्ड शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ यज्ञ कराए जाएंगे, बहुत ही कम स्थान ऐसे बचे हैं जहाँ पे आपको वास्तव में मंत्र साधना और तंत्र साधना का जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। इसी के साथ एक चीज़ मुझे याद भी आ रही है इस वक्त पे, हमने जो मंदिर देखा वहाँ पे सुबह श्री विष्णु सहस्त्र नाम होते हैं, उनके पाठ होते हैं, और शाम को जो 4:30 बजे का टाइम रहता है उस वक्त पे श्री ललिता सहस्त्र नाम वहाँ पे कराया जाता है, उसका उच्चारण होता है। सुबह भी 7 बजे आरती होती है और शाम को भी 7 बजे आरती होती है। तो वास्तव में ये जगह जो है, अगर आप साधना के लिए कुछ सोच रहे हैं कि मुझे पूरे भारत में कोई ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे मैं जाकर पूरे संसार से अलिप्त होकर, सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर होकर, या फिर थोड़ा ब्रेक लेकर आप अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर लाना चाहते हैं, आप अपने आप को ईश्वर के और समीप लाना चाहते हैं, तो इस स्थान से बेहतर जगह, इस स्थान से बेहतर आश्रम शायद आपको कोई और नहीं मिल सकता।
प्रश्न ये भी उठता है कि यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन पर एक लिंक देख रहे होंगे, आश्रम की रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दी गई है। उसके साथ साथ ये सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करने से आपको आश्रम में होने वाली सारी इवेंट के बारे में पता चलेगा। स्वामी जी कब आश्रम में होने वाले हैं, उनके डिस्कोर्स कब होने वाले हैं, इसी के साथ अलग अलग साधना जो है वो कौन से समय पे कराई जाएगी। मान लीजिए आने वाले दिसंबर एंड में एक बहुत ही अच्छी इवेंट हो रही है, जहाँ पे साल का जो अंत है यानी कि 2023 का जो अंत होने वाला है वो स्वामी जी के एक डिस्कोर्स के साथ होने वाला है। तो समय को देखकर और तारीख को देखकर आप वो जो है अपना बुकिंग करवा सकते हैं वहाँ से। एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रूटीन रहता है यहाँ का वो ये रहता है कि जब आप बुकिंग करवाएंगे उस वक्त पे आपको सबसे पहले डॉर्मिटरी स्टे ही दिया जाएगा। अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है या फिर अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं, अगर आप अपने किसी मित्र वर्ग या फिर स्वजन के साथ आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ पे आके यानी कि श्री बद्री का आश्रम पहुँच कर फिर फ्रंट डेस्क पर यानी कि जो रजिस्ट्रेशन डेस्क रहता है वहाँ पे जाकर आपको उनको कहना पड़ेगा कि हमें एक अपग्रेड चाहिए। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हमें एक अपग्रेडेड रूम चाहिए, हमें डॉर्मिटरी स्टे नहीं चाहिए, अगर हो सके तो हमें आप एक रूम जो है वो अपग्रेड कर दीजिए। और यही बात आप आने से पहले भी जो श्री बद्री का आश्रम का नंबर है वो नंबर भी हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उन्हें ये इन्फो दे सकते हैं, आप उनको जानकारी दे सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो हमारा स्टे है वो आप हो सके तो अपग्रेड कर दीजिएगा। और ज़्यादातर ये रहता है कि अगर स्कोप हो, अगर लोगों की उस वक्त पे मान लीजिए डिस्कोर्स वगैरह ना हो या फिर नॉन इवेंट डेज हो, तो उस वक्त पे रश कम होने की वजह से अपग्रेडेड रूम मिल भी जाता है। काफ़ी बार ये होता है कि प्रायोरिटी दी जाती है जिनको हेल्थ कंडीशन है ज़्यादातर, या फिर जो वृद्ध हैं जो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, वो जो छोटे बच्चे जिनके साथ है बेसिकली, तो काफ़ी बार उनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स उनको एक अलग रूम देना होता है। वो जो छोटे बच्चे रहते हैं एकदम छोटे, वो डॉर्मिटरी में नहीं स्टे कर सकते, तो इसी वजह से आपको ये तय करना होगा कि इफ़ यू आर फाइन विद डॉर्मिटरी स्टे देन देर इज़ नो इश्यू। लेकिन अगर आपको एक अपग्रेड चाहिए तो जब आप बुकिंग करा रहे हैं उसी वक्त पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना होगा कि आपके नाम के साथ कि हम लोगों ने ये जो इवेंट है यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस तारीख से शुरू करके इस तारीख तक हमने बुकिंग करवाया है और हम लोग इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आश्रम में स्टे करने वाले हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस कारण की वजह से आप हमें जो रूम है वो अपग्रेड कर दीजिए। तो ऑफिस के टाइम पे उनका एक आपको रिप्लाई भी आ जाएगा, और अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है तो आपके नाम के साथ ये चीज़ आपको बता दी जाएगी व्हाट्सएप पर कि आपका रूम जो है वो अपग्रेड आपको दिया जाएगा, अपग्रेडेड रूम दिया जाएगा। और जब आप यहाँ पे फिर पहुँचे श्री बद्री का आश्रम में, उस वक्त पे आपको फ्रंट डेस्क पर जाके अपना नाम और ये जो मैसेज है वो उनको दिखाना पड़ेगा। तो यही एक प्रोसीजर रहता है। सो हमने अभी गिरिगंगा देख ली है, हमने ये ब्यूटीफुल जो शमियाना है यहाँ का वो हमने देख लिया है। नाउ इट इज़ टाइम कि हम आपको जो यहाँ के अलग अलग रूम्स हैं, जो डॉर्मिटरी स्टे है, यहाँ का जो डाइनिंग हॉल है उसे आपको दिखाएं, और आप खुद ये यहाँ की जो स्थल की स्वच्छता है, जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो आप अपनी आँखों से देखिए। तो गिरिगंगा तक जाना और फिर वहाँ से वापस आना, ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी आपके जीवन में। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो उस एक्सरसाइज के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत चलना होगा, अपने आप आपका जो जॉगिंग है, जो वॉकिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये जो है ये अपार्टमेंट है, जो N सीरीज़ का अपार्टमेंट है। इसके बाद हम S सीरीज़ के ऊपर जाएंगे, उसके बाद A सीरीज़ के रूम्स के ऊपर, और बाद में L पर। तो ये जो अपार्टमेंट है वो शेयरिंग अपार्टमेंट होता है, जहाँ पे दो कमरे भी हैं, एक कमरा भी है,
तो अगर एक परिवार दो लोग साथ में आए या फिर तीन लोग साथ में आए हैं परिवार के साथ, तो दिस इज फॉर अ फैमिली, जो एक परिवार के लिए एक कमरा जो है किचन के साथ वो दिया गया है विथ अटैच्ड वॉशरूम. लेट्स विजिट. सो हियर इज द नंबर N107. एंड ये जो है एकदम छोटा सा कोजी किचन हमारा, जहाँ पे एक परिवार अगर अपने बच्चे के साथ आया है तो वो अपने बच्चे के लिए खाना पका सकते हैं. अगर आप अपने साथ पोर्टेबल गैस वगैरह कुछ लेकर आए हैं, और शुरुआत में ही हमें ये अटैच्ड वॉशरूम दिया गया है. सो हियर यू कैन सी एकदम क्लीनलीनेस के साथ, एकदम हाइजीन जो एटमॉस्फेयर कहा जा सकता है, वो आपको इस अपार्टमेंट्स में और यहाँ के सारे स्टे में आपको प्राप्त होगा. सो यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर है. लेट मी शो यू समथिंग. तो अगर आप सुबह उठ रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, अगर आप बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नैसर्गिक व्यू चाहते हैं, प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट व्यू यू कैन गेट. एंड नाउ बालकनी में हम जा रहे हैं, तो आपको वहाँ का एक सुंदर नज़ारा मैं दिखाता हूँ. और डेफिनेटली एक व्यू जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ का, वो है गिरिगंगा का व्यू, इस पर्वत का व्यू. तो यहाँ पे खड़े रहने से आपको गिरिगंगा भी दिखेगी सुबह, आपको सूर्य का जो उदय हो रहा है वहाँ से पूर्व दिशा से वो भी आपको दिखाई देगा. वैकुंठ का नज़ारा जैसे आप देख रहे हो, वैसे अनुभूति आपको यहाँ पे आएगी. तो अगर आप शहर के पॉल्यूशन से थक चुके हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में कहीं पर जीना भूल चुके हैं, तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है जी, यहाँ एकदम पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण रहित आपको पूरा जो एक वातावरण प्राप्त होगा. और स्वास्थ्य के लिए भी ये जो स्थान है श्री बद्रिका आश्रम, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होगा. सो पर्सनली स्पीकिंग, ये जो जगह रहती है बालकनी वगैरह यहाँ की, वो मेरी सबसे फेवरेट जगह रहती है. क्योंकि सुबह हो या फिर रात हो, अगर मैं अपने साथ अपने खुद के साथ समय बिताना चाहता हूँ, तो यही जगह ऐसी है जो मुझे चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, मुझे अपने आप के अंदर झांकने के लिए सहाय रूप होती है, मुझे मदद करती है. और ईश्वर के साथ एकाकार होने में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है. तो ये है साधक ब्लॉक, एस ब्लॉक. जो लोग सिंगल आ रहे हैं, यानी कि जो लोग अकेले आ रहे हैं, जिनके साथ कोई मेंबर नहीं है परिवार के, या फिर कोई मित्र या फिर स्वजन नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे ठहर सकते हैं. दिस इज द S8. हियर इज द रूम. तो काफ़ी लोग ये रहता है कि साधना के लिए यहाँ पे आते हैं, तो जो लोग साधना के लिए अकेले आते हैं उनके लिए ये जो जगह है वो दी जाती है. अगर वो डॉर्मिटरी में नहीं रहना चाहते तो यहाँ पे आकर ये जो अपना रूम है उसे अपग्रेड कर सकते हैं. तो हियर इज़ द स्मॉल एंड वेरी कोजी काइंड ऑफ रूम. ये यहाँ पे आपको कपबोर्ड दिखेगा. हियर इज़ द विंडो, जहाँ पे आपको पूरा एक व्यू मिलेगा. तो ये है फीमेल डॉर्मिटरी, और फीमेल डॉर्मिटरी के लिए भी सेम जो रेट है वो आपको श्री बद्रिका आश्रम की वेबसाइट पर मिल जाएगा. तो अगर आप इवेंट डेज में आ रहे हैं, तो डॉर्मिटरी के लिए भी आपको अगर यहाँ पे रहना है तो आप रह सकते हैं. और अगर आपको रूम अपग्रेड करना है, तो आपको अगेन पहले की तरह ही जो फ्रंट डेस्क है हमारा, वहाँ पर एक बार उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. तो ये है मेल डॉर्मिटरी, बेसिकली डॉर्मेटरी स्टे. तो यहाँ पे आप ग्रुप्स में रह सकते हैं. ऊपर नीचे दो आपको बेड दिए गए हैं, यू कैन सी.
श्री ललिता सहस्रनाम में बहुत ही सुंदर बात कही गई है, यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी, यानी कि यज्ञ जो कर रहे हैं वो भी माँ है, यज्ञ कराने वाले भी माँ हैं, और जो स्वयं यज्ञ है वो भी माँ है। तो ये है हमारी एक छोटी सी टेम्पररी यज्ञशाला, क्योंकि जो नई यज्ञशाला जो भव्य यज्ञशाला बन रही है, जब तक वो तैयार नहीं होती तब तक हम अपनी सारी साधना जो है वो यहीं पे करते हैं। हाल ही में जो नवरात्रि गई उस वक्त पे हमने नवदुर्गा साधना यहाँ पे की थी, जिसकी कुछ कुछ क्लिपिंग्स हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे आपके लिए, ताकि आप एक जो माहौल रहता है उस वक्त का, उस समय का, साधना के वक्त का, यज्ञ के वक्त का, उस माहौल की आप अनुभूति कर पाएँ। और ये जो सारे यज्ञ कुंड आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यज्ञ कुंड जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, और जो साधक रहते हैं वो अपने अपने यज्ञ कुंड पर सुबह साधना करते हैं, सुबह जो उनका यज्ञ कार्य रहता है वो संपन्न करते हैं, और बहुत ही अलग प्रकार की अनुभूति यहाँ पे आपको महसूस होगी जब आप सुबह यहाँ पे यज्ञ करते हैं उस वक्त पे। तो आप एक पूरा जो व्यू है वो देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक टीवी स्क्रीन की जगह दी गई है, और यहाँ पे भी दूसरी बाजू, ये दोनों जगह पे आप जो है साधना के दौरान जब यहाँ पे यज्ञ चल रहा होता है उस वक्त पे टीवी स्क्रीन्स लगाए जाते हैं, ताकि जो पुरोहित हैं जो यहाँ पे यज्ञ करा रहे हैं उनका जो एक विजन है वो कैसे यज्ञ करा रहे हैं वो आपको दिखे। और यही जो स्क्रीन्स रहते हैं इसी के माध्यम से और साधना ऐप के माध्यम से जो घर बैठे हुए साधक रहते हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं वो यज्ञ का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो साधना ऐप जो हमारी है, जो VSF वैदिक साधना फाउंडेशन साधना ऐप में भी बहुत सारी साधना दी गई है, नवदुर्गा साधना, श्री सुक्तम साधना। श्री सुक्तम का जो यज्ञ था वो पुरानी यज्ञशाला में हुआ था, और जो नवदुर्गा साधना जो हुई थी इस बार, जहाँ पे लोग बाहर से ट्रैवल करके आए थे, वो जो साधक थे उनके लिए यहाँ पे एक व्यवस्था यज्ञ की जो थी वो उसका निर्माण हुआ था, और स्क्रीन के माध्यम से उन लोगों को ज़्यादा सुविधा होती थी। आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, वी आर प्लानिंग समथिंग, तो आने वाले कुछ महीनों में आपको वो चीज़ जो है वो पता चल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी साधना जो है वो कराई जाएगी। जो साधक ऐसे हैं जो साधना मार्ग पर, चाहे वो मंत्र साधना हो या फिर तंत्र साधना हो, उस पर चलना चाहते हैं, जिनको वाकई में सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ साधना मार्ग पर चलना है, और यहाँ पे आके वास्तव में देवी या देवता की साधना करनी है, उनके लिए आने वाले भविष्य में, आने वाले महीनों में साधना ऐप जो है VSF यानी कि वैदिक साधना फाउंडेशन जो है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आप सबके लिए वो जो एक मौका रहेगा, वो जो अवसर रहेगा, आप इसी स्पेस को ध्यान में रख के चलिएगा। साधना ऐप पर भी उसकी जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी काफ़ी चीज़ों की, और वेदोलॉजी पर भी उसकी जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। तो जब साधना चल रही होती या फिर इवेंट डेज होते हैं उस वक्त पे सुबह तो यज्ञ हम कर सकते हैं यज्ञशाला में, लेकिन अगर रात को किसी को जप करना है मंत्र जप एकदम शांति से, और काफ़ी लोगों का ये नियम रहता है कि अपने रूम में यानी कि बेडरूम में या फिर बेड के ऊपर जप नहीं करते, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली एक मेडिटेशन हॉल बनाया गया है, जहाँ पे आपके लिए शाम के वक्त ये जो मेडिटेशन हॉल है वो खोल दिया जाता है, ताकि कोई भी साधक यहाँ पे आके शाम को अपनी जो साधना है वो अगर कंटिन्यू करना चाहे, वो अपने मंत्र जप जो है वो अगर करना चाहे, क्योंकि मंत्र जप के लिए जनरली ये रहता है कि अगर आपका मंत्र छोटा है तो एक घंटे में, दो घंटे में आप जो 10 माला है वो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अगर श्री सुक्तम का कोई मंत्र है, 16 मंत्रों में से कोई मंत्र आप अगर जागृत कर रहे हैं, तो उसकी 10 माला करने के लिए इट इज़ हाईली पॉसिबल कि कम से कम
5 घंटे 6 घंटे 6.5 घंटे आपकी पेस के हिसाब से आपको इतना टाइम लग सकता है। तो इसी वजह से काफ़ी बार जो परिवार यहाँ पे आते हैं उसमें से एक या दो मेंबर जो रहते हैं वो साधना कर रहे होते हैं, बाकी के दो या तीन मेंबर नहीं कर रहे होते, तो उनको रूम में डिस्टर्ब ना हो इस वजह से भी, और डॉर्मिटरी जो है डॉर्मिटरी में भी किसी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए वहाँ पे तो लाइट बंद ही हो जाती है। तो अगर आपको जब कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन हॉल में आना पड़ेगा। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेडिटेशन हॉल में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रोजेक्टर से लेकर सारी चीज़ें आपको सुविधाएँ प्राप्त होगी, और वहाँ पे बैठकर आप अपना जो मेडिटेशन है वो भी कर सकते हैं ब्लैक लोटस के माध्यम से। ब्लैक लोटस जो है वो भी एक एप्लीकेशन है, ओम स्वामी जी ने उसे डेवलप किया था, तो वो भी VSF यानी कि वैदिक साधना फाउंडेशन के अंडर में ही आती है। जो साधक मेडिटेशन के मार्ग पर यानी कि ध्यान योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ब्लैक लोटस जो ऐप है उसे बनाया गया था, और वहाँ पे आप अपने पोस्चर से लेकर मेडिटेशन से लेकर अलग अलग चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग काफ़ी इवॉल्वमेंट भी आप अपने में ला सकते हैं। आप अपने ध्यान योग में जो है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं अगर इफ़ यू आर यूजिंग दैट ऐप, बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है। तो उसके लिए भी अगर आपको ये है कि यहाँ पे आने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, साधना नहीं भी हो रही तो उस वक्त पे भी आप मेडिटेशन हॉल का उपयोग अगर बहुत लोग एक साथ करना चाहते हैं मेडिटेशन के लिए, तो डेफिनेटली ये हॉल आपके लिए फिर खुल जाता है। ये है हमारा मेडिटेशन हॉल। यहाँ पे जो हमने बात करी, लोग मंत्र जप करने के लिए अपना मेडिटेशन करने के लिए भी आते हैं, और जो लोग साधना ऐप से साधना कर रहे हैं जैसे कि श्री सुक्तम साधना, और श्री सुक्तम साधना आपको पता ही है इवनिंग जप होता है उसमें, यानी कि शाम को 10 माला का जप करना होता है, आपके संकल्प के हिसाब से करना होता है। तो अगर रूम में आपको ये जगह नहीं है या फिर आपको ये स्पेस नहीं मिल रही या फिर आप डॉर्मिटरी में रह रहे हैं, तो आपके लिए ये जो पूरा हॉल है वो ओपन हो जाता है। और इसी के साथ साधना के अलावा अगर आप ब्लैक लोटस ऐप से मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो भी ध्यान योग के लिए भी आपके लिए ये जो पूरा मेडिटेशन हॉल है उसका उपयोग किया जा सकता है, ये आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। तो ज़्यादातर ये रहता है कि जब साधना चल रही होती है, जैसे कि लास्ट ईयर श्री सुक्तम साधना थी, फिर नवदुर्गा साधना थी, तो उस वक्त पे शाम के वक्त यानी कि 6-7 बजे के आसपास आरती ख़त्म होने के बाद, जो 7 बजे आरती होती है उसके बाद ये जो मेडिटेशन हॉल है उसे खोल दिया जाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टर है, और अगर आप इस प्रोजेक्टर के माध्यम से भी अगर अपना मंत्र जप जो है वो करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे अगर कोई डिस्कोर्स चल रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो यज्ञ है उस यज्ञ को भी साधना ऐप के माध्यम से, यहाँ पे आप साधना ऐप को डाउनलोड करके प्रोजेक्टर में लगा के उसे आप ऑन कर सकते हैं, और फिर बाद में यहीं पे बैठकर आपका मंत्र जप कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और साथ में ये जो हमारे सारे डिस्कोर्सेस हैं स्वामी जी के, वो डिस्कोर्सेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत बार ये होता है अगर कोई इवेंट पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो उस वक्त पे टेम्पल में मंदिर में थोड़ी कम जगह होती है, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पर बिठाया जाता है, तो आप यहाँ पे बैठकर ये जो सारे डिस्कोर्सेस हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये है हमारी शतरंज। अगर आप दोपहर में खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले अगर आप शतरंज का खेल खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे फिज़िकली खेल सकते हैं, और शायद ये नज़ारा देखकर आपको हैरी पॉटर की याद आ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर शतरंज का खेल दिखाया गया है। सो यहाँ पर आप ये जो एक पर्टिकुलर खेल है उसे फिज़िकली खेल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा डाइनिंग हॉल। सो दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल डाइनिंग हॉल, और यहाँ पे हम लोग सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर को लंच, शाम को हाई टी एंड रात को डिनर। सो बहुत ही ज़्यादा सात्विक, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और एकदम हाइजीन जो रहता है खुराक यहाँ का, और एक साधक के लिए जो खुराक चाहिए होती है एकदम सिंपल, एकदम बैलेंस्ड डाइट जो चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा।
सो आप जब भी ब्रेकफास्ट कर ले, लंच कर ले या फिर डिनर कर ले, उसके बाद यहाँ पे जो डिश वॉशिंग रहती है वो भी खुद ही करनी पड़ती है, तो इट इज़ अ सेल्फ सर्विस। सो ये हमारा पूरा एक जो है सिंक्स है जहाँ पे हम अलग अलग डिश जो है वो वॉश कर रहे हैं, और ये भी एक सेवा के तौर पे इस कार्य की गिनती होती है। तो ये जो हमारा क्लिनिक है श्रीहरि चिकित्सा केंद्र, जिनके डॉक्टर डॉक्टर गीता बारो जी, अगर आश्रम में कोई अचानक बीमार हो जाता है, अगर कोई किसी को जुकाम या फिर कोई नॉर्मल डिजीज़ या फिर बीमारी जो है वो होती है, तो उस वक्त पे यहाँ पे चिकित्सालय में आप आ सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये जो क्लिनिक है यहाँ पे ओपीडी से लेकर कंसल्टेशन से लेकर दवाई से लेकर सभी चीज़ें जो है वो फ्री है, इसका एक भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो आप ये चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि यहाँ पे आने के बाद बाय चांस अगर आपको ज़रूरत पड़ी, अगर आप बीमार पड़े या फिर जुकाम वायरल कुछ भी हुआ, तो क्या करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाना है, सिर्फ आपको थोड़ा चल के यहाँ पे क्लिनिक में आना होगा। दैट्स इट। जय श्री हरी। सो दिस इज़ आवर फ्रंट डेस्क, जहाँ पे आप जैसे ही आश्रम में आए तुरंत आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, यहाँ पे ही आपको रूम जो है वो अलॉट किया जाता है, और यहीं पे अगर आपको डॉर्मिटरी से अपना जो स्टे है उसे अपग्रेड करना है तो आपको यहाँ पे विनती करनी पड़ती है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और अगर आपके स्टे के दौरान आपको कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, आपको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो आपको यहाँ पे आके ही इन्फॉर्म करना रहता है। तो यही था श्री बद्रिका आश्रम का एक पूरा व्लॉग, जहाँ पे आपको अकोमोडेशन, डाइनिंग हॉल, यू नो, भगवान श्री हरि के मंदिर के दर्शन कराए गए। और मेरा आपसे यही आग्रह है कि अगर आप वास्तव में साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप आपके हृदय में माँ के प्रति, देवता के प्रति भाव है, भक्ति है, समर्पण है, श्रद्धा है, तो डेफिनेटली आपको ये जो पर्टिकुलर स्थान है, ये जो आश्रम है, उनकी मुलाकात लेनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जब नॉन इवेंट डेज रहते हैं उस वक्त पे कुछ चीज़ें आने वाले भविष्य में प्लान की जा रही है जो आपको जल्द ही पता चलेगी, लेकिन आज की तारीख में जो हमारे इवेंट डेज हैं, यानी कि जब स्वामी जी के डिस्कोर्स होते हैं या फिर कोई साधना जो है वो यहाँ पे कराई जाती है, उस वक्त पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। नॉन इवेंट डेज में भी आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन फिर आपको पूरा एक रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें करा के, क्योंकि काफ़ी लोग ये रहते हैं कि नॉन इवेंट डेज में यहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं होते, तो आपको एक सॉलिट्यूड यानी कि एकांतवास जो है वो वातावरण आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपनी साधना मान लीजिए 40 दिन की, 30 दिन की, 28 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की साधना करना चाहते हैं। एक सवाल बीच में ये भी आया था कि क्या हम लोग श्री बद्रिका आश्रम में सिर्फ सॉलिट्यूड के लिए या फिर 11 दिन की साधना के लिए या फिर सिर्फ यू नो, काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है आफ्टर कोविड, तो वो लोग यहाँ पे आकर भी क्या वर्क कर सकते हैं और इस जो आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली ये चीज़ करी जा सकती है। अगर आप का वर्क फ्रॉम होम है, अगर आप यहाँ पर आके रहना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली स्टे ओवर हियर। आपको जब तक रहना है आपको सिर्फ और सिर्फ पहले डेट जो है अपनी तारीख बुक करानी पड़ेगी, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे स्क्रीन पर फिर से हम लोग आपको जो फ्रंट डेस्क है उसका नंबर पॉपअप हो रहा होगा, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। इसके साथ साथ श्री बद्रिका आश्रम की जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दी गई है। इतना ही नहीं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें भी वेबसाइट की जो लिंक है वो दी गई है, तो उसके ऊपर क्लिक करके जब भी आपको अपना स्टे जो है वो बुक कराना हो, यहाँ पे आपको श्री बद्रिका आश्रम में ट्रैवल करना हो, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पे बाय ट्रेन आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाय फ्लाइट आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट यहाँ से सबसे नज़दीक होगा, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, और टैक्सी लेने के बाद हिमाचल प्रदेश सोलान आकर, यानी कि पूरा जो वो रास्ता रहता है वो 4-4.5 घंटे का ट्रैवल रहता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आश्रम तक का ट्रैवल। तो आप अगर फ्लाइट बाय एयर प्लान कर रहे हैं
तो आपको उस हिसाब से प्लान करना होगा। और प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप शाम को 6 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो थोड़ा जो है वो दुर्गम रास्ता है। तो इस वजह से जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे पहुँचने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं तो यहाँ के ही जो टैक्सी वाले हैं, जो आश्रम के मार्ग से, आश्रम के पूरे एक जो रूट है उसका, यहाँ के मार्ग से परिचित हैं, उनको पता है कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, वो एक्सपर्ट है यहाँ के ड्राइविंग में, तो आप उन्हीं का संपर्क करिएगा। अगर आपको टैक्सी की आवश्यकता है यहाँ पे पहुँचने के लिए तो उसके नंबर भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खास आप चेक कर सकते हैं। उनके नाम के साथ मैं आपको यहाँ पे नंबर दे दूँगा, ताकि अगर आप चाहे बाई ट्रेन आ रहे हैं तो बाई ट्रेन आने के बाद भी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए टैक्सी ही करनी पड़ेगी। प्लीज़ एक बात याद रखिएगा कि ये जो जगह है, ये जो स्थल है, ये कोई एडवेंचर स्पॉट नहीं है, ये कोई पिकनिक का स्थल नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर ये सोच कर आ रहे हैं कि हम बाइक में जाएंगे या फिर अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, तो इट इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट राइट नाउ, क्योंकि रास्ते जो है वो थोड़े दुर्गम हैं। तो इसी वजह से हितावह यही रहेगा कि आप ऐसे ही ड्राइवर या फिर ऐसे ही टैक्सी में आइएगा जिसमें आपको वास्तव में यहाँ के रास्ते से ये जो ड्राइवर हैं, यहाँ के जो टैक्सी वाले हैं, जो परिचित होते हैं, जिनको पता है कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जाता है, उनका ही आप संपर्क करिएगा और उनके सारे संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग ये व्लॉग जो है उसका एक अंत कर रहे हैं, लेकिन अंत करने से पहले हम एक आखिरी बार स्तुति करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में भी जो साधु वृद्धा जी ने माँ को जागृत किया था, माँ को आह्वान दिया था, उनकी ऊर्जा को विसर्जन यानी कि उनको विदा करने का वक्त आ चुका है। सो हम पूर्णाहुति मंत्र के साथ ये व्लॉग की समाप्ति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु। श्री महागुरुं स्वामी अर्पणमस्तु।